अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक माइक्रोबायोलॉजी की एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम उसको कहते हैं पर्टसिस या ऊपिंग कफ। ठीक है, ऊपिंग कफ हमारे साथ जो लिंग्विस्टिक है, मतलब जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं उर्दू में, हम ये लिंग्विस्टिकली इसको हम ऊपिंग कफ कहते हैं, लेकिन डिजीज़ का नाम हमारे साथ क्या है, पर्टसिस है। ठीक है, इसको कुछ लोग पर्टसिस, कुछ लोग क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे साथ पर्टसिस है। ठीक है, सो ऊपिंग कफ और पर्टसिस डिजीज़। अच्छा, जो ऊपिंग कफ आर पर्टसिस डिजीज एज द वर्ल्ड इंडिकेट ऊपिंग कफ। ठीक है, सो इसमें हमारे साथ क्या है, ऊप लाइक कफ होगा, और ऊप हम हर उस क्राई को कहते हैं जो हमारे साथ खुशी में एक क्राई निकलती है, हम उसको क्या कहते हैं, ऊपिंग कफ कहते हैं। ठीक है, अ क्राई ऑफ जॉय। ठीक है, सो उसमें क्या जो कफ होगा उसकी जैसे उसका साउंड होगा, उसको हम डिफाइन कुछ यू करते हैं एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे साथ क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन है, जो बर्टोडेला पर्टसिस है वो हमारे साथ एक बैक्टीरिया है जो क्या करती है, इस इन्फेक्शन को कॉज करती है। ठीक है, अप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रीकिया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स कैरेक्टराइज बाय अ टिपिकल कफ। और ये जो हमारे साथ पर्टसिस है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये हमारे साथ एंडोटॉक्सिन्स को खारिज करती है, और वो एंडोटॉक्सिन्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स में आपके साथ ट्रैकिया ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, वो वहाँ पर जो हमारे साथ फ्लैजेला है, वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके साथ अटैच होके ये जो पर्टसिस है इस डिजीज़ को डेवलप करने में हेल्प कराती है, बॉटोटेला पर्टसिस को। ठीक है, ये पहले हमारे साथ टॉक्सिन्स को खारिज करती है, और फिर वो एंडोटॉक्सिन्स वही सरफेसिस पे अटैच होकर वो माहौल बनाती है बॉटोटेला पर्टसिस के लिए कि वो क्या करें, अपने इंक्यूबेशन पीरियड को स्टार्ट करें और आपके साथ ये क्या करें, डिजीज़ की प्रोग्रेशन में हेल्प करें। ठीक है, आपके साथ इसकी जो साइन सिम्टम्स होंगे वो क्राउनिंग लाइक ऊपिंग साउंड कप, इसमें जो कफ होगा वो ऊपिंग साउंड लाइक कफ होगा, पेरॉक्सिज्म कफ। आपके साथ ये तीन स्टेजेस में हम इसकी साइन सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं, एक हमारे साथ होता है कैटरल फेज, एक हमारे साथ होता है एक पेरॉक्सिज्मल स्टेज, और तीसरा जो हमारे साथ होता है वो हमारे साथ कन्वलेसेंट फेज होता है। ठीक है, अब हमारे साथ जो कैटरल फेज होता है, हम कैटरल फेजेस हमारे साथ काफ़ी डिजीजेज में होते हैं। सो कैटरल फेजेस में आपके साथ रनी नोज, फीवर, ये जो सिम्टम्स होते हैं, कफ, स्टार्टिंग वाला कफ जो होता है, ये हमारे साथ होता है कैटरल फेज में। ठीक है, सो जब आपके साथ डिजीज या पैथोजन की एंट्री होती है और वो आपके साथ इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट करता है, सो स्टार्टिंग में आपके साथ कैटरल फेज होता है, और कैटरल फेज में आपके साथ रनी नोज, रनी आईज, ठीक है, जो टीयर फॉर्मेशन है वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, आपके साथ जो नोज है उसमें आपके साथ रनी हो जाती है। ठीक है, और आपके साथ थोड़ी सी फीवर आ जाती है, और इसके साथ साथ आपके साथ ये डिजीज़ की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपके साथ स्टार्ट हो जाती है, और कफ आपके साथ थोड़ी मकदार के लिए स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो सेकंड स्टेज होता है अब दी सिम्टम्स, वो हमारे साथ पेरॉक्सिज्मल स्टेज है, और पेरॉक्सिज्मल स्टेज में हमारे साथ अनइंटरप्टेबल कफ्स होते हैं या फिट्स ऑफ कफ्स होते हैं, आपके साथ कफ स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो बंद ही नहीं होते, और आपके साथ कंटिन्यूसली पेशेंट कफ करते करते आपके साथ उसमें फिट्स ऑफ कफ्स आते हैं, या हम इसको अनइंटरप्टेबल कफ्स भी कहते हैं, वो आपके साथ इस पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। और जो लास्ट स्टेज होता है वो हमारे साथ कन्वालेसेंट फेज होता है, जब आप एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज कर लेते हो या इस पैथोजन को आपकी इम्यूनिटी बीट कर लेती है, तो फिर आप इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हो, और हम उस स्टेज को कहते हैं कन्वालेसेंट फेज, और आपके साथ ये पेरोक्सिज्म और जो कैटरल फेज है, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपके साथ इंप्रूव होना शुरू कर देते हैं और ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आपके साथ टीनिशियस म्यूकस होगी, वॉमिटिंग होगी इस पेशेंट में, और कैटरल साइन सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया कि रनी नोज होता है, टीयर्स फॉर्मेशन, फीवर, और आपके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कफ भी इसमें होता है, ड्राई कफ होता है। ठीक है, इसकी जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारे साथ बॉटोटेला पर्टसिस है, ये एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, और ये आपके साथ एंडोटॉक्सिन्स को खारिज करते हो रही, एंडोटॉक्सिन्स आपके साथ इस डिजीज की प्रोग्रेशन में काफ़ी हेल्प करती है। इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है, लेट सपोज आप में पर्टसिस जो पैथोजन है उसकी एंट्री होती है आपकी बॉडी में, और फिर ये अपनी इंक्यूबेशन पीरियड फर्स्ट साइन सिम्टम्स इसकी अपीयरेंस जब होगी, सो वो 7 to 21 days, या तो 7 day पे होगा या 8 पे, अप टू 21 days आप में ये अपना फर्स्ट साइन सिम्टम अपियर करेगा,
ठीक है, जो कि कैटरल फेस है वो अपियर होगा। अच्छा जी, जो रिजर्वायर है एंड सोर्स है उसमें हमारे साथ, इसका जो रिजर्वायर है वो हमारे साथ इन्फेक्टेड मैन है एंड सोर्स इज ब्रैंकियोफेरेंजियल सिक्रीशन। जो ब्रैंकियोफेरेंजियल सिक्रीशन है, नेजोफेरेंजियल नहीं बल्कि ब्रैंकियोफेरेंजियल सिक्रीशन जो है वो आपके साथ सोर्स है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लेट सपोज पेशेंट आपके साथ कफ करता है या स्नीज करता है और वो फ्लोइड, वो सिक्रीशन आप पे आ जाता है, यू कैन ऑल्सो भी इन्फेक्टेड, वो आप इनहेल कर लेते हो तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। रूट ऑफ एंट्री आपके साथ क्या है? इनहेलेशन है। अब लेट सपोज यही ब्रोंकियोस्पेरेंजियल जो आपके साथ सिक्रीशन है इसको आप इनहेल करते हो सो यू कैन बी इन्फेक्टेड। आपके साथ जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बाय ड्रॉपलेट है। हमारे साथ जो ड्रॉपलेट है, हमारे साथ जो ड्रॉप्स आते हैं, जो फ्लूइड के ड्रॉप या सिक्रीशन के जो ड्रॉप्स आते हैं, लेट सपोज वो आप इनहेल करते हो सो ये एयरबॉन नहीं, ये ड्रॉपलेट है। और ड्रॉपलेट के लिए आप लेट सपोज 5 फीट का फासला कर लेते हो पेशेंट से तो वो ड्रॉप्स आप तक नहीं पहुंचते और आप प्रोटेक्ट हो सकते हो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट एंड इनडायरेक्ट थ्रू इन्फेक्टेड फोमाइट्स। और ये आप लेट सपोज डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हो पेशेंट के साथ सो आप ड्रॉपलेट से इन्फेक्ट हो सकते हो। लेट सपोज आप इनडायरेक्टली पेशेंट के जो फोमाइट्स हैं जिसमें वो खाना खाता है, वो उनकी जो चीज़ें ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको आप यूज़ करते हो और उस पर ये ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं सो वो आप इनहेल करते हो सो यू कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड। अकरेंस इसकी वर्ल्ड वाइड है, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स आर मोर ससेप्टेबल। आपके साथ जो ससेप्टेबिलिटी है, जो जिनमें ये डिजीज जो जो आपके साथ इस डिजीज को मोर प्रोन हो सो आपके साथ 5 ईयर से लेस बच्चे हैं जो जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती सो हमारे साथ वो ज़्यादा ससेप्टेबल है और उनमें ये डिजीज़ काफ़ी कॉमन है और ये डिजीज़ इजीली उनमें कहाँ से हो सकती है। सो हमने क्या करना है, अपने जो DBT वैक्सीन है, हमारे साथ जो डिप्थीरिया पर्टसिस और टैटनस की जो वैक्सीन है वो हमने वैक्सीनेशन करनी है बच्चों को। लेट सपोज हम वो वैक्सीनेशन नहीं करते सो हमारे बच्चे उन इस डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल हैं और हम उनमें ये डिजीज़ इजीली कहाँ से हो सकती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हमारे साथ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन। लेट सपोज आपके साथ कोई बच्चा है या कोई बड़ा है वो इस डिजीज से इन्फेक्टेड है और उनको आइसोलेट रखना है, बल्कि और पेशेंट और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से हैं उनके साथ उनको हमने शामिल नहीं करना है। कंकरेंट एंड टर्मिनल डिसइन्फेक्शन, हमारे साथ जो आप थी इन्फेक्टेड फोमाइट्स, जो इससे पहले डिजीज थी उसमें भी यही बात थी कि हम लेट सपोज जो फोमाइट्स है, जो चीज़ें यू लोग यूज़ करते हैं, हमने वो उनकी कंकरंट या टर्मिनल डिसइन्फेक्शन करनी है और उनको हमने डिसइन्फेक्ट करके साफ करना है कि और चीज़ और लोग इनसे इन्फेक्ट ना हो। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? एरिथ्रोमाइसिन 250 mg 6 आवरली, ये एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं सो हम इस डिजीज से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। या एंटीटसिव थेरेपी जो हमारे साथ कफ के लिए यूज़ होती है, हम वो भी यूज़ करके इस डिजीज से अपने आप को इस पैथोजन पे हम काबू पा सकते हैं इजीली। सो ये जो हमारे साथ डिजीज था ये काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, MCQs भी आते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के लिहाज से, ट्रांजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिहाज से, और ट्रांजिटिव ऑर्गेनिज्म से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। पैराक्सिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए सो अगर आप ये आपको ये चीज़ें पता हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, MCQs को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।